ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हमको बताता है कि आप किसी के रिलीजन के सेंटीमेंट्स के साथ नहीं खेल सकते और प्रॉफिट मोहम्मद में पीस बी अपन हिम एक ऐसे फिगर हैं जो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ही नहीं है 2.2 बिलियन मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड है ही इज द रिवर्ड फिगर उनके खिलाफ कोई ऐसी डेरोगेटरी नाशाइ कलाम जो करेगा ये काबिल कबूल नहीं है हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमने हमेशा जो है इस चीज़ पे एम्फेसिस डाला है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए एफआईआर दर्ज हुआ या कोई एक्शन हो नहीं रही है अभी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पहला अच्छा कदम उन्होंने लिया कि इन्होंने सस्पेंड किया और वो हमको पता है वो क्यों इन्होंने किया बिकॉज वो प्रेशर अरब ममालिक से आया इसी वजह से उन्होंने इसको सस्पेंड किया लेकिन अब सबकी नजरें यह है बीजेपी और उसकी सरकार पे कि कब सिर्फ एक ही नहीं है वो दूसरा एक उनका स्पोक्स उसने भी एक ट्वीट किया था दोनों के खिलाफ बाब्ता क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होनी चाहिए ये मतलब मैं किसी के रिलीजन के बारे में खिलाफ नहीं बोलूंगा मेरे रिलीजन के बारे में क्यों आप खिलाफ बोलोगे सो ये सरासर नाइंसाफी है ये जुल्म है हमारे सेंटिमेंट्स के साथ जुल्म है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इस पर एक मीनिंगफुल कार्रवाई करेगी जिस तरीके से बीजेपी हमको मोल्ड कर रही है वो गलत फैबी पूरे दुनिया में फैला रही है और कंट्री में भी फैला रही है मगर उनके झूठ के पांव अब ख़त्म हो गए हैं वो जो सियासत करते हैं वो सियासत पूरी एक्सपोज हो गई है अभी जो उनने उनने खुद एक्सेप्ट किया कि उनके ही स्पोक्स पर्सन ने जो डेरोगेटरी और डिफेबेटरी रिमार्क्स हमारे प्रॉफिट सल्ला व्लम के खिलाफ बोला था कभी आपने सुना हमने कभी किसी के बारे में ऐसा बोला हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम हर किसी रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं हम किसी के रिलीजन या रिलीजस फिगर की ना बेहरमती नहीं करेंगे ना कभी की है और ये जो इंशाल्लाह जो हम जो यात्रा आने वाली है आपके जरिए से मैं उन सब जो हमारे यात्री बाहर से आएंगे मैं उनको वेलकम करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो यही मैसेज लेके फिर वापस जब अपने घरों में जाए कि किस तरीके से कश्मीरी कौम ने उनको वेलकम किया और उनकी यात्रा को फैसिलिटेट